फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बोलो कहाँ जा रहे हैं आज मिस्टर अंसारी? जा रहे हैं लुलू। तो आज हम लोग जा रहे हैं लुलू। बहुत गर्म है क्योंकि हम लोग दोपहर में निकले हैं आज लुलू जाने के लिए। ग्रॉसरी लेनी थी रमज़ान की भी, और फारूक जो डाइट कर रहे हैं तो हम लोग ये टाइम रमज़ान की ग्रॉसरी नहीं लेने वाले, ये टाइम हम लोग फारूक के डाइट के हिसाब से ग्रॉसरी लेंगे, है ना मिस्टर अंसारी? तो ये टाइम हम लोग रमज़ान में अनहेल्दी अवॉइड करके हेल्दी खाने वाले हैं, एक्सेप्ट असलान। तो मैं बताऊंगी आपको लुलू में कि क्या क्या हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं और क्या लेकर आएंगे, वो भी मैं बताऊंगी। बोलना चाहोगे? और अजान का रिजल्ट मैं आपको घर चलकर बताऊंगी कि अजान ने कितने मार्क्स दिए हैं। उसके बाद अंदर शॉपिंग का वीडियो आपको दिखाएंगे कि और कुछ तो सऊदी अरब में ज़्यादा मिलता है नहीं। और हम लोग ज़्यादा करके लुलू से ही ग्रॉसरी लेते हैं क्योंकि लुलू में इंडियन चीज़ें भी बहुत सी मिल जाती है, बाकी सब कुछ नहीं मिल जाती है, जैसे अदरक वगैरह और बहुत सी चीज़ें ऐसे मिल जाती है। और लुलू में अच्छे ऑफर्स भी होते हैं, है ना? ऑफर सब जगह रहते, पाटा भी नहीं देते अच्छे। तो ये हम लोग लुलू जाने से पहले हम लोग ने खाना नहीं खाए थे, ऐसे खाली नाश्ता करके निकले थे, तो हमें भूख लग रही है तो हम लोग खा रहे हैं अलबेक। और फारूक गए हैं अपने डाइट का चिकन लेने के लिए, तो फारूक अपना अलग खाएंगे और ये हमारा है चिकन नगेट्स और वो बर्गर और ये कोल्ड ड्रिंक। तो ये है आज का हमारा लंच। और ये देखो अजलान कैसे तुल पड़ गया। फ्रेंच फ्राइज और ये गार्लिक सॉस अजलान का फेवरेट है, और आपको तो पता है अलबेग हम लोगों का सबका फेवरेट है, और बहुत दिनों बाद हम लोग अलबेग आज खा रहे हैं, है ना? हर ट्यूशन पार्टी में मैं हर मैम को गलती से मम्मा बोल देता हूँ। मैम हर ट्यूशन पार्टी में तो अब हम लोग खाते हैं, और फारूक अपने लिए क्या खाना लेकर आते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो ये फारूक लेकर आ गए हैं अपना डाइट के हिसाब से खाना। तो उनके डाइट में रहता है 200 ग्राम राइस और सॉटे वेजिटेबल, और ये रहता है चिकन टिक्का, फ्रेंच फ्राइज तो एक्स्ट्रा दे दिया है उसने। कितना ग्राम तुम्हारा चिकन रहता है डेली का? 200 ग्राम ना, 200 ग्राम चिकन होता है और 200 ग्राम राइस होता है और वेजिटेबल्स होता है। ये तो फ्रेंच फ्राइज बाहर है इसलिए, बट वो खाएंगे नहीं फारूक फ्रेंच फ्राइज। तो ये हम लोग हमारा खाना खा रहे हैं लुलू में बैठ कर, और ये देखो ये है फारूक का सॉटे क्या ले रही हो? ये हमारी सबसे पहले हमने ले ली है
डैडी भी इधर वीडियो चल रहा है। ओ भाई मामा भाई सो कर रहे थे, आज नहीं आई। तो भाई हम लोगों ने रमजान की शॉपिंग कर ली है, और पहले अजान ने बताया मैंने तो रमजान की प्रोटीन बहुत सारा प्रोटीन हम लोगों ने बहुत प्रोटीन बहुत प्रोटीन। और गाइस मैंने एक बॉल लिया, एक रियाल का मिलता है मैंने मशीन में। बस अभी हम लोग गाड़ी में। सो फ्रेंड्स हम लोग लुलू जाकर आ गए हैं और सारे ग्रॉसरी का सामान लेकर आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये टाइम मैंने क्या क्या लाई हूँ ग्रॉसरी में। तो ये टाइम हम लोगों ने ज़्यादा करके जो जंक फूड है वो नहीं लेकर आए हैं। और ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ है, अजलान बाहर खेल रहा है तो इसलिए इतनी आवाज़ आ रही है। तो जंक फूड हम लोगों ने मोस्टली अवॉइड किए हैं, नहीं लाए हैं। और ये खाली 15 डेज का ही ग्रॉसरी लाए, क्योंकि फारूक जैसे कि आप जानते हो अभी फारूक डाइट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो उनको हर 15 डेज में हम लोगों को अब जाना ही पड़ेगा लेने। तो हम लोगों ने सिर्फ 15 डेज़ का लाया है। और लुलू में जो सैलरी वीक होता है ना, उस टाइम पे अच्छे ऑफर्स सब हट जाते हैं, और सैलरी वीक के आफ्टर 10 डेज के बाद अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं। तो आज हम लोग गए थे तो कुछ भी अच्छा ऑफ़र नहीं था, कुछ इतना खास ऑफ़र नहीं था जैसे रमज़ान के हिसाब से ऑफ़र रहना चाहिए, उतना नहीं था। बहुत ही कम चीज़ों में ऑफ़र था, वो भी सब फालतू चीज़ों में ही ऑफ़र था। जो हम लोग जो चीज़ सोचे हैं कि अवॉइड करने के लिए, वही सारी चीज़ों पे ऑफर्स था। तो हम लोग ने ज़्यादा चीज़ें नहीं लिए। तो हम लोग 10 डेज़ के बाद फिर 15 डेज़ के बाद वापस से ग्रॉसरी लेकर आएंगे। और ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें घर में थी, इसलिए हम लोग ने बहुत सारा सामान नहीं लाया। जो भी लाया मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या लाया। और आप देख सकते हो मुझे आज बहुत डार्क सर्कल दिख रहा है, पता नहीं क्योंकि मेरे आँख में ना एलर्जी हो गई है, उसकी वजह से ना आँखों को मसल के बहुत डार्क सर्कल हो गए। और 2-3 दिन से फारूक की नाइट चल रही है, तो फारूक की नाइट रहती है तो मैं सो नहीं पाती हूँ रात को। तो आज मुझे इतनी नींद आ रही है, बस अभी ये फटाफट ये काम करने के बाद मैं ब्लॉग का एंड करके जल्दी से सो जाऊँगी। तो ये है हमारी ग्रॉसरी, तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। तो मैं आपको एक एक कर बताती हूँ क्या क्या लाई हूँ। तो जैसे कि मैंने लुलू में ब्लॉग बना रहा था अजलान, तो उसने पहले ही बताया था कि सबसे पहले मैंने ली थी ओट्स, क्योंकि फारूक को डेली आजकल ओट्स लेते हैं सुबह में ब्रेकफास्ट में। तो ये मैंने क्वेटर का ओट ली हूँ 1 kg। और ये है खजूर, जो अब लगने वाला है रमज़ान में, तो खजूर पे कुछ ऑफ़र थे पर इतने कुछ खास ऑफ़र नहीं थे। तो ये खजूर लिए हम लोगों ने 1 kg है, कि पता नहीं कितना kg है, आई थिंक ये 1 kg ही है शायद, उससे ज़्यादा होगा। और ये अजलान के लिए है चिकन फ्राइज, ये पनीर, ये टाइम हम लोगों ने आलू कबीर का पनीर लाया। और ये चिकन, ये चिकन ब्रेस्ट है, ये तो फ्रोजन वाले लेकर आए हैं। और ये सब चीज के आइटम है। और ये है टॉर्टेला। और ये हम लोगों ने लाए हैं ऑटोमेटिक रिचार्जेबल वाटर पंप, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी वाटर डिस्पेंसर लिए थे, वो ख़राब हो गया है और फारूक को बहुत भारी पड़ता उठा उठा के डालने। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये मैं आपको बताऊँगी कैसे यूज़ करते, बहुत अच्छा है। और ये फारूक ने लाए हैं इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल, तो फारूक को आजकल हर चीज़ मेजर करके खानी पड़ती है, तो उसके लिए उन्होंने ये वाली मेजरिंग स्केल लेकर आए हैं। और ये लाई मैंने लेमन, ये है हरी धनिया, ये है इंडियन वाली गार्लिक, इंडियन वाली अदरक, मुझे लास्ट टाइम नहीं थी लुलू में, तो ये टाइम थी तो मैंने ले आई हूँ अदरक। और ये शिमला मिर्च बहुत सारी ले आए, क्योंकि फारूक को सैलड में लगती है। ये प्याज, तो फारूक जब भी जाएंगे ना कहीं पर भी जाएंगे वो प्याज स्टॉक कर करके रखते हैं, तो प्याज लाए हैं।
और ये केचप भी ये टाइम हम लोग ने बहुत कम लाए खाली अजलान के हिसाब से खाने के लिए। और ये अजलान ने लिया है बारबेक्यू सॉस, और ये अजलान ने लिया है प्रिंगल्स, और ये मैंने एक ली हूँ मास्क। मुझे मास्क लगाना बहुत पसंद है तो बहुत टाइम से मैंने नहीं ली तो मैंने सोची अब ले लूँ। और ये मैंने ली हूँ चॉकलेट चिप्स है ये, तो ये मैं कुछ बनाने वाली हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये भी। और ये माउथ वॉश पे ऑफर था तो ये हम लोगों ने ले लिए, अजलान को माउथ वॉश बहुत लगता है। और ये है चाट मसाला, और ये जो है ना ये ब्रश है सॉफ्ट वाला, क्योंकि मैं बहुत दिन से ना इलेक्ट्रॉनिक ब्रश यूज़ कर रही थी तो उसकी वजह से ना मेरे दांत बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और मेरे गम्स भी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, इसलिए मैंने अभी सोची कि ये वाला टूथब्रश ला के ट्राई करूँ। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाला ब्रश लेने के लिए तो आप लोग अवॉइड करें, उससे जो दांत है ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये वाला मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। और ये लाई हूँ ऑलिव ऑयल है, और ऑयल्स पे कुछ भी ऑफर नहीं था लूलू में। और ये अजान की मैगी, और ये चने जो रमज़ान में लगने वाले हैं, और वैसे भी फारूक को डाइट में भी लगते हैं, प्रोटीन होता है। तो ये मूंग की दाल थोड़ी सी लाई हूँ ऑलरेडी घर में है, और ये राजमा, और ये है हनी, ये है देसी घी, ये है टेट्रा का दूध, और ये है टिश्यू पेपर, ये भी है टिश्यू पेपर, और यहाँ पर है फ्रूट्स। थैली नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ से आई, क्योंकि हम लोगों ने ऑरेंज लिए थे, मुझे लगता है फारूक गाड़ी में एक थैली भूल गए हैं, पूछना पड़ेगा। और ये है स्टिक है ये बीफ का, तो ये भी फारूक के डाइट में है तो ये फारूक ने अपने मेजरमेंट के हिसाब से ही लिए है, 200 ग्राम 200 ग्राम, तो एक दिन ये लेना है एक दिन चिकन लेना है। और ये है अजलान का मिल्क, चॉकलेट मिल्क, तो अजलान की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। पता नहीं ऑरेंज का है वो नहीं मिल रहा है। तो बस यही थी आज की हमारी ग्रॉसरी जो 15 डेज की है। तो ये जो बीफ के जो स्टिक है इसको मैंने ऑलरेडी धो कर स्टिक है और इस पे ऐसे ऐसे फोक से मैंने ऐसे ऐसे सब कर दी हूँ। और इसमें ये मैंने डाली हूँ पपैया का पेस्ट है, ये ऑलरेडी रेडीमेड मिलता है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये वाला पपैया का मैंने पेस्ट लगाई हूँ इस पे, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अब इसमें मैं डालूंगी शान का टिक्का मसाला, तो ये चिकन वाला नहीं है, ये मटन वाला टिक्का मसाला है, तो इसमें ना टेंडराइजर होता है तो ये अच्छे से टेंडराइज हो जाएगा, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। और ये डैडी के लिए, डैडी डाइट के लिए, ये फारूक के डाइट का है। डैडी दो दो खाएंगे? नहीं, ये दो दिन का मैं बना के रखती हूँ। तो ये बस ऐसे मसाला मैं अच्छे से लगा के, और इस पे ही मैं पेपर डालूंगी ब्लैक पेपर। मैं अच्छी आ रही है, मेरे को वो नहीं बस। और इसको अच्छे से मिक्स करके लगा। क्या ये वापस क्या का स्टिक है? ये मटन में भी आप बना सकते हो। बीफ मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, अगर आपको मटन की कोई चीज़ पसंद नहीं, इसको बस अच्छे से दोनों को मैं लगा दूंगी। और गाइस अभी और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी, ऑलिव ऑयल साइड में क्यों उसके मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसमें मैं और कोई मसाला नहीं लगाऊंगी, और टिक्का में मैं नमक भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि टिक्का मसाला में ऑलरेडी नमक है, भी बहुत ही टेस्टी लगता है, मैंने भी ट्राई की। बस इसको मैं लगा के रख दूंगी। अगर आप लोगों को तुरंत बनाना है तो मैक्सिमम 1 आवर इसको मैरिनेट करना है, मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम इसको फुल नाइट अगर आप करोगे ना दूसरे दिन बनाओगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और ये जो स्टिक है वो भी अच्छा टेंडराइज हो जाएगा। और बस इसे मैं पैन पे भी आप कर सकती हूँ, बट हम लोग इसे ग्रिल पे करेंगे। पैक कर लिया,
और इसको मैं वापस से पैक करके ऐसे मेरा फ्रेश मॉल से लाया। और लुलू में भी मसाला वाला भी मिलता है, बट मुझे घर का मसाला लगाना पारुक को पसंद है, इसको भी मैं लगा दूंगी। गाइस मेक श्योर यू शुड नॉट रिप द प्लास्टिक इफ यू आर डूइंग इट इन ग्रीन। ओके ओके बॉस पे। और इसको मैं रख दूंगी, अब जब भी फारूक को चाहिए रहेगा बस इसे मुझे ग्रिल गरम करके ग्रिल कर देना है। ओके बॉस, तो ये बन गया हमारा स्टिक, रेडी हो गया है। ओके बॉस, गाइस मैं कचौरी खा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने तो व्लॉग का एंड कर दी थी, बट अजलान खेल कर आया है और खाना वाना हम लोग ने खा लिए हैं, अब सोने जा रहे थे, सोने की तैयारी थी। और फारूक तो आज भी लेट आने वाले हैं, आज उनका काम बहुत ज़्यादा है। तो अजलान ने बोला कि तुमने व्लॉग का एंड की तो मैं वापस से मेरे साथ भी व्लॉग का एंड करो। और उसने कुछ टॉय लेके आया था जो आप लोगों के साथ उसने शेयर नहीं किया, उससे वो ही बताना था। तो ये बॉल से लिया मैं, रैकेट भी आया, तो ये लकड़ी का कुछ है और इस पे ये बॉल्स है। तो ये अजलान ने लेकर आया है, जब भी अजलान लुलू जाता है तो कुछ ना कुछ टॉयज, अब भी हम लोगों ने इतना सारा टॉयज उसको दिलाए थे, एक वीक ही हुआ, तो ये एक और टॉय अजलान ने लिया। मम्मा ने बोली ना, अच्छा मम्मा ने इसलिए बोली क्योंकि तुमको टॉय चाहिए था इसलिए। तो बस आज मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, बस अब बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, तो नए खाने साथ। हाँ, कल का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, कल मैं आपको बताऊँगी अजलान जो कचौरी खा रहा है वो कहाँ से आई है। तो मिलती हूँ मैं कल आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड प्लीज कीप वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। अल्लाह हाफिज़, सी सिल्वी एंड प्लीज कीप वॉचिंग, गुड नाइट नाइट।